तो राम राम जी, कैसे हो सर? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे मुझे राम राम से जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। शहर का नाम तो लिख ही दोगे, एक चीज़ और बताइए कि क्या आपको पता है कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक गाड़ी ऐसी है जिसको सबसे चीपेस्ट गाड़ी का गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड मिला है? नीचे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको उस गाड़ी का नाम पता है। आगे से हम यूं ही क्वेश्चन पूछा करेंगे। खैर गाइस, सबसे पहले धन्यवाद मैं देना चाहूँगा अपने एक भाई हैं, वो एक्सक्लूसिव क्लिप लेके आए हैं। उनका नाम है, मैं नाम बता देता हूँ, चैनल लिंक मिल जाएगा, आशीष क्लेंसी करके भाई हैं। उनने सबसे पहले जो है होंडा अमेज फेसबुक की कुछ एक्सक्लूसिव वीडियो डाली है। तो गाइस, यहां से हम लोग स्टार्ट करते थे कि सबसे पहले अगर गौर करेंगे तो फ्रंट में जो है आप लोगों को बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है होंडा अमेज के बारे में। ये फर्स्ट वीडियो होगी शायद से यूट्यूब पे, डल चुकी है वैसे, बट डिटेल में बड़ी सी ग्रिल मिल रही है। बीच में होंडा का लोगो मिल जाता है, क्रोम अगेन हमें यहां से देखने को मिल रहा है। नो डाउट ये जो क्रोम का काम है ना, ये बेहद ही अच्छा लगने लग रहा है यहाँ पे। इसी के साथ साथ अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो इसके जो हेडलैम्प्स हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं देखने में। DRL ऊपर जो है वो हमें एविडेंट है, विजिबल है यहाँ से। नीचे फॉग लैम्प है वो भी विजिबल है, हालांकि जैसे कंसेप्ट में दिखाया गया तो उससे तो काफ़ी डिफरेंट है, बट स्टिल जो भी है। यहाँ से ना बोनट का आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जैगुआर की एफ पेस आती है, उस जैसी लगने लग रही है। ऊपर बात करें तो यहाँ पे हमें होंडा सेंसिंग का जो अपना यूनिट है वो दिखने लग रही है। बेसिकली मिरर पे अगर आप लोग देख रहे तो होंडा सेंसिंग की जो है ये यूनिट है यहाँ पे दिख रही है हम लोगों को। और इसी के साथ साथ अगर साइड की तरफ चले तो अलॉय व्हील का डिज़ाइन जो है वो आप लोगों को दिख गया होगा, शायद से पहली बार ही दिख रहा है अलॉय व्हील का भी डिज़ाइन, कि गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स हैं वो कैसे आने वाले हैं, कैसे नहीं आने वाले। देखिए, नो डाउट विद इन नो टाइम ये गाड़ी जो है अच्छी खासी सेल्स पकड़ जाएगी, क्योंकि लुक्स के टर्म्स में ये गाड़ी बेहद ही अच्छी लग रही है देखने में हमें। तो कलर जो है ये रेड कलर है, यहाँ पे इसका फ्लैगशिप कलर मेरे हिसाब से ब्लू रखा जाएगा जो हम लोगों ने पहले देखा था, बट दिस इज द रेड कलर। अब साइड का मिरर जैसे ही खुला है तो वहां पे एक चीज और नजर आई है कि 3D कैमरा जो है वो इस गाड़ी में नहीं दिया जाएगा। लेट्स सी कैसे वर्क करती हैं चीज़ें, कैसी नहीं करती, बिकॉज 3D कैमरा अगर हो भी जाता तो मेरे हिसाब से चीज़ें जो हैं थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हो जानी चाहिए थी। बट वॉट एवर इट इज़, हमें जो है 3D कैमरा यहाँ पे तो हाल फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर बात करें, नीचे फॉग लैम्प का डिज़ाइन कुछ उसी प्रकार का है जैसे हम लोगों ने कंसेप्ट में भी देखा था कि नीचे फॉग लैम्प की छोटी सी हाउसिंग मिलेगी, उसके साइड में जो है आप लोगों की स्ट्रिप टाइप से मिल जाती है देखने को, ठीक लग रही है यहाँ से। देखिए गाड़ी के ना लुक्स आप लोगों को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, कुछ अभी कमेंट्स अभी से रुझान आने स्टार्ट हो गए कि 100 units भी नहीं कर पाएगी महीने की। नहीं, ऐसा नहीं है यार, थोड़ा सा टाइम देते हैं, लेट अभी आने दीजिए गाड़ी, मेरे हिसाब से अच्छी खासी सेल्स पकड़ेगी ये। इसका सबसे बड़ा USP पता क्या रहेगा कि इसमें 4-सिलेंडर इंजन आपको देखने को मिलने वाला है। अब चूंकि 4-सिलेंडर इंजन आने वाला है तो आप खुद ही लगा लीजिए कि कंपनी जो है ऐसे पागल तो है नहीं, और फिर लोग बाग भी जो है 3-सिलेंडर पर भी इतना खास ट्रस्ट कर नहीं रहे, तो यहाँ पर ये 4-सिलेंडर जो है ना ये अच्छी खासी बाजी पक्का मार के जाने वाला है। तो ये वाली चीज़ जो है इसकी USP 100% रहने वाली है। एनीवेज गाइस, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर दो, हम लोगों को 6 लाख सब्सक्राइबर करने हैं 2024 में, 25 में एंटर करेंगे, 6 लाख एक सब्सक्राइबर्स है। फटाफट सब्सक्राइब करके कमेंट कर दीजिए। खैर, यहाँ से जब जब मैं इस गाड़ी के फ्रंट देख रहा हूँ मुझे ना बहुत सारी गाड़ियाँ याद आ रही हैं। ये इनोवा क्रिस्टा से ना पता नहीं क्यों सारी कंपनीज इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गई हैं। इसके भी अगर आप गौर कर रहे हो तो फ्रंट में वैसे इनोवा क्रिस्टा टाइप से जो है ग्रिल हमें हल्की फुल्की देखने को मिल रही है। चलिए अब अलॉय व्हील के डिज़ाइन साइड से यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो स्पोक्स अगर गिने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 16, 17 स्पोक्स के आसपास जो है यहाँ पे आप लोगों को अलॉय व्हील में मिल जाते हैं। बॉडी लाइनिंग पे बात करें तो कई सारे कट्स हैं यहाँ पे मिलेंगे, तो डेंट्स के गाड़ी काफ़ी ज़्यादा प्रोन रहने वाली है, ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। व्हील आर्क जो है वो भी अच्छे हैं यहाँ पे। अलॉय व्हील का साइज़ यहाँ पे कंफर्म नहीं है, बट समवेयर अराउंड 15 inches जो है आप लोग आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसी के साथ साथ साइड मिरर पे और पास से आ जाते हैं तो यहाँ से आपको साइड मिरर पे दिख जाएगा, किसी भी टाइप की 360 कैमरा की प्लेसिंग नहीं करी गई है जैसा कि मैंने पहले बता दिया था। तो नो 360 कैमरा आप लोगों को होंडा सिटी में देखने को, सॉरी होंडा अमेज में देखने को नहीं मिलेगा। एनीवेज जो भी है, यहाँ पे एक बार मैं भाई की जो शक्ल है उनको हाइड करना चाहूँगा, रीज़न बीइंग कि हम लोग जो है किसी की भी प्राइवेसी नहीं बिल्कुल वो करना चाहते, तो यहाँ से शक्ल इनकी एक बार हाइड कर देते हैं। साइड में फेंडर्स पे इंडिकेटर्स नहीं हैं, आप लोगों को इंडिकेटर्स नहीं मिलेंगे, बट जो आप लोगों की मिरर है उस पर आपको साइड में इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए, देखिए मैंने कहा था ना डेंट, आपने गौर करा होगा एक डेंट ऑलरेडी उसके नीचे पड़ गया है, तो डेंट पे तो बहुत ज़्यादा प्रोन है ये गाड़ी क्योंकि बहुत ज़्यादा अपनी जो है ना कट्स हैं। खैर गाइस, यहाँ से क्रोम डोर हैंडल्स हमें दिख रहे हैं, रिक्वेस्ट सेंसर्स मिलेगा। अब अंदर की तरफ भी लेके चलते हैं एक बार आपको, तो अंदर की भी ये पहली विजिबल वीडियो है हमारे सामने। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो कि जो हमारे अभी एक मिनट आ जाता है स्टेयरिंग व्हील, यहाँ से ड्यूल कलर इंटीरियर दिख रहा होगा, सेम एज होंडा एलिवेट। होंडा एलिवेट में भी कुछ इसी प्रकार का इंटीरियर जो हुआ हमें देखने को मिल रहा था। एनीवेज, यहाँ से आप गौर कर सकते हो स्टेयरिंग व्हील पे ना भांति भांति के जो है हम लोगों को
वो मिल जाते हैं, मतलब माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिसमें कि एक लेन की असिस्ट या फिर अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का भी है। तो इस गाड़ी में वो चीज़ आने वाली है। यहाँ से आप राइट में ही चेक कर रहे होंगे, होंडा का जो लोगो है उसके राइट साइड में एकदम आप लोगों को देखने को मिल जाती है। तो थ्री वे स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, नो डाउट सही है। इसी के साथ साथ लेफ्ट में आपको सारे वाइपर के पैनल्स एंड कंट्रोल जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सिल्वर फिनिश का थोड़ा सा काम जो है हमें स्टीयरिंग व्हील में देखने मिल जाता है। बीच में इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दी गई है, वही सेम एलिवेट वाली सीन उठा के रख दिया है। बहुत सारी कंपनीज आजकल ना पार्ट शेयरिंग करती हैं, तो इसमें हम लोग कुछ बुरा नहीं मान सकते। पार्ट शेयरिंग अब हैबिट बन गई है, इससे ना आप लोगों को ही फायदा होता है कि आप लोगों को प्राइसिंग जो है वो काफ़ी कम वगैरह देखने मिल जाती है। अब रियर की तरफ आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको होंडा का लोगो मिल जाता है। इसी के साथ साथ आप लोगों को नीचे जो है होंडा आईवी टेक लिखा हुआ मिल जाता है। होंडा के लोगों के नीचे आपको कैमरा देखने को मिल रहा होगा। इसी के साथ साथ अगर बात करें LED टेल लाइट जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है, मतलब डे टाइम में भी जो है काफ़ी जोर से चल रही है। हाई माउंट स्टॉप लैंप ऊपर दिख रहा होगा, थ्री हेडरेस्ट्स दिख रहे होंगे पीछे। थ्री हेडरेस्ट जो है बेस एंड मॉडल से आ रहे हैं, पहले बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे ना मेरे को एक चीज़ नज़र नहीं आ रही कि गाड़ी जो है बेसिकली उसमें पार्किंग सेंसर, अच्छा है पार्किंग सेंसर नीचे मिल जाते हैं आपको देखने में। इसी के साथ साथ अगर गौर करें डिफॉगर भी जो है विजिबल है यहाँ पे, हल्का सा डिक्की को उठा रखा है जिससे जो डिक्की है वो आप लोगों की मतलब उस टाइप की लग रही है कुछ की जैसे वो नहीं होता अपना स्पॉयलर टाइप होता है, वैसा टाइप मिल रहा है हम लोगों को देखने में, ठीक है। तो इसी के साथ साथ साइड में भी काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है गाड़ी देखने में, और मेरे हिसाब से जो गाड़ी है नो डाउट सही लुक्स देने लग रही है। अब इसी के साथ साथ गाइज अगर हम इंटीरियर की तरफ भी आप लोगों को लेके चलें एक बार, तो इंटीरियर से आप लोग गौर करेंगे कि इंटीरियर जो है उसमें हम लोगों को एक बार इंटीरियर्स भी दिखा देता हूँ वापस से। पीछे भी काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग है, सीट्स अवेलेबिलिटी है, ये आप लोग डरिएगा मत कि पीछे आप लोगों को स्पेस वगैरह नहीं मिलेगी, पीछे भी जो है हमें स्पेस वगैरह देखने को मिलने लग रही है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें वापस भाई का, एक बार फेस हाइड करना पड़ेगा। बीच का जो आपका AB पिलर है उसको ब्लैकआउट कर रखा है, वो ठीक लग रहा है। क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं चारों के चारों। तो ये था इस गाड़ी का रेड कलर, और देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, आंखों को भी सूदिंग सा लग रहा है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी और कुछ चीज़ें डिटेल्स नहीं सामने आई हैं, जो आया था वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। बात कर रहे हैं तो भाई गाड़ी जो है बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली है, एंड जैसे ही लॉन्च हो जाती है हम लोग आपको सारी की सारी इसकी और डिटेल्स हैं वो बता देंगे। विद दिस गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, और सारा का सारा क्रेडिट जो है उनके ड्यू ओनर को जाता है जो कि आशीष क्लांसी भाई हैं। तो उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाकर उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ से बोनट कटआउट आपको फिर भी दिख रहा होगा कि बोनट में जो कटआउट्स हैं वो वैसे ही लग रहे हैं जैसे हमारी होंडा अमेज अभी भी आती है, उस टाइप के कुछ हमें बोनट कटआउट्स यहाँ से मिलने लग रहे हैं। गाड़ी एक बार लॉन्च हो जाती है फिर उसके बाद और बातचीत करेंगे इसके बारे में, बाकी और जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आती रहेंगी हम लोग आपके साथ शेयर करते रहेंगे। विद दिस इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट में लिख के बताएगा। बाकी मिलते रहेंगे आपसे ऐसे और ज़बरदस्त टॉपिक्स में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। और हाँ, वो क्वेश्चन याद है कि नहीं आप लोगों को कि कौन सी वो गाड़ी है जिसको गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, ये हमारी एक्स ऑफ पेस जैसी लग रही है फ्रंट से, है ना। तो चलो गाइस आज और वीडियो नहीं डालूंगा, बहुत सारी वीडियोस मैंने डाल दी हैं, दो होंडा अमेज पे डाल दी हैं, कैसी लगी लिख के बताएगा फटाफट। बाय बाय, ड्राइव सेफ, हैव अ सेफ जर्नी अहेड, और कौन से शहर से इस वीडियो को देख रहे हो वो भी लिख के बताएगा। कुछ मेरे भाइयों ने पूछा था कि भैया ब्रेजा के ऊपर क्या न्यूज़ है, तो डूलाइट मैं बता देता हूँ, ब्रेजा की वीडियो पहले परसों आएगी, आज होंडा अमेज पहले आ गई तो मेरे को उस पर वीडियो जो है बनानी पड़ी, ठीक है। एनीवेज गाइस मिलूंगा कल आपसे वापस, ड्राइव सेफ, हैव अ सेफ जर्नी, बाय बाय और धन्यवाद।